एवरीवन, वेलकम टू माय शो। और आज हम एक नए शो की प्रारंभ करने जा रहे हैं। शो का नाम है हाफ टॉक विद कुमार। तो ये शो हम लोग ऐसे शुरू करेंगे कि इस शो में हम दुनिया की कोने कोने से टैलेंटेड लोगों को बुलाएंगे, फेमस लोगों को बुलाएंगे और उन लोगों के साथ हम इंटरव्यू करेंगे। वो कैसे फेमस बने, उन लोगों के पास क्या क्या है, क्यों बने, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला शो है, पहले दिन का पहला शो का पहला दिन है। तो आप लोग देखते रहना शो। शो बहुत ही अच्छा होने वाला है, एक एडुकेशन टाइप का शो होने वाला है ये। तो शो आज पहला है, तो हम पहले माँ संतोषी माँ की आशीर्वाद लेते हैं और उनसे एक माला पहनते हैं। उसके बाद हम शो को आगे बढ़ाएंगे वेलकम टू माय शो। और शो में अब हम गेस्ट को बुलाएंगे। ये गेस्ट अफ्रीका की जंगल में रहने वाला है। ये गेस्ट अफ्रीका की जंगल में रिसर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं। गेस्ट का नाम है, अरे क्या नाम लग दिया तुम लोगों ने, दो इंसान आने वाला है तो फिर रोहित प्रिया खान, ये दो है, एक लड़का एक लड़की, दोनों है या फिर एक ही है? अच्छा एक ही है, तो ठीक है। तो गेस्ट का नाम है हमारा रोहित प्रिया खान। तो वेलकम टू आवर शो सर। आपको पहले पहला सवाल ही पूछ लेते हैं। तो जो आपका नाम है कि रोहित प्रिया खान, तो मतलब सॉन्ग में ऐसे होते हैं, लेकिन आपके नाम पे रोहित भी है, प्रिया भी है, खान भी है, तो ये एक लड़का एक लड़की नाम कैसे पड़ा? थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, इलाबोरेट करके इसको? बात ऐसी है कि मैं पहले लड़का था, फिर लड़की हुई, इसलिए लड़का रोहित, लड़की प्रिया खान। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरी बार के लिए जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मशहूर है, बहुत मशहूर है, तो आप ये बता दो कि आप मशहूर कैसे बने, मतलब क्यों बने मशहूर? अब कुछ रीजन है मशहूर बनने का, या फिर कुछ आपके पास है, या फिर मशहूर कैसे बने आप? देखो बात मशहूर की आ गई, तो मैं मशहूर क्यों हुआ बोल लेता हूँ। वायु की मुझे माँ ने बाजार में दाल लेने के लिए बुलाया, तो मैंने बाजार से मसूर दाल लेके आया, फिर एक दिन बोला, फिर मैंने मसूर दाल लेके आया, तो ये मसूर दाल की चक्कर में मैं मशहूर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पहली बार के लिए। तो आप मशहूर है, तो आपके पास बाकायदा कुछ टैलेंट होगी या फिर है, तो क्या क्या है आपके पास टैलेंट? सोना, खाना और पानी उबालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन, आपको फर्स्ट नंबर में ही पूछ लेते हैं। तो आप मशहूर हैं, तो आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आपने डिग्री कहाँ से हासिल की, आपके पास डिग्री क्या क्या है? हाँ, मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से MUT किया। ये क्या डिग्री है MUT, मतलब हमने कभी सुना नहीं है ऐसी डिग्री। MUT मतलब मास्टर ऑफ अल्टीमेट टैलेंट, ये टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। धीरे धीरे करके इंटरव्यू की लास्ट में पहुंच गए। तो लास्ट से पहले उसका पहला सवाल कि आपके बच्चे कितने? बट ऐसे है कि 7 बच्चे हैं मेरे। शादी कर लिया आपने? नहीं। ओके, तो लास्ट सवाल लास्ट में, तो बताइए कि मेरा शो में आके कैसा लगा? ये हाफ टॉक जो शो है, वो आपको कुछ हेल्प कर पाई आपकी बातों पे, या फिर आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत ही बकवास, बहुत ही घटिया, फालतू, अगर दूसरी बार बुलाया ना सप्पल से मारूंगा। जेंटलमैन, आज की शो में इतना ही था। हमने मशहूर लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत की,
हम नेक्स्ट शो में फिर एक मशहूर इंसान को बुलाएंगे, तो हम वीडियो इंटरव्यू यहीं पे रखते हैं। लेकिन एक बुक आप लोगों को रिफर करना चाहूँगा जो मैंने खुद लिखी है। बुक है ये हाउ टू अनसक्सेसफुल इन 13 डेज। आप ये पढ़िए, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इट्स रिटन बाय मी, इस बुक को आप पढ़िए, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। बुक ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बुक का दाम सिर्फ ₹99999 ओनली है। और आप लोग ये अगर अभी खरीदोगे तो ₹10 का डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। ये किताब अभी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से खरीदिए बुक को। और अभी वीडियो रखता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज, गुड बाय, नमस्कार।